हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में अब इस कदर नशा बेचने वाले गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कम उम्र के बच्चे और नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं। चांद नगर धूमचाल में रहने वाले लोगों ने एक नशा बेचने वाले युवक को पकड़ा और उसे खुद ले जाकर पुलिस स्टेशन पुलिस के हवाले कर दिया। चांद नगर में रहने वाले इकबाल अब्दुल रज्जाक नाइक ने बताया कि चांद नगर इलाके में ये लोग MD, गांजा, कोको, इसी तरह के नशीले पदार्थ बेचते हैं। जो नशा करने वाले लोग हैं इन इलाकों में आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे महिलाओं पर भी खतरा बढ़ गया है। कभी भी कोई भी नशा बेचने वाला या फिर नशा करने वाला किसी महिला के साथ कुछ भी हरकत कर दे या फिर किसी बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी घटनाएं हो जाए, क्योंकि ये नशा बेचने वाले करने वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इन सब का असर स्थानीय बच्चों पर भी पड़ रहा है। आने वाले समय में नशे की गिरफ्त में ये बच्चे आ सकते हैं, इसलिए स्थानीय लोगों ने इन नशा बेचने वालों को कई बार मना भी किया, मगर ये लोग मानते ही नहीं थे। कल शाम में एक युवक को जो गांजा, बटन, नशीला पदार्थ चांद नगर धूमचाल में बेच रहा था, उस युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और मुंब्रा पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी तरह शहर में लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और खुद एक्शन ले और पुलिस को भी इसकी जानकारी दे, नशा बेचने वालों पर कार्रवाई हो। देखो परमिशन कौन दिया है बेचने की? गिल भाई बोले थे। हाँ, क्या कहाँ बेचने का? माल कहाँ बेचने का? पीछे धूम में, मैदान में पीछे, मैदान में पीछे बेचने का। तो कैसे परमिशन लेके दिया तेरे को? थाना में ना, हाँ थाना से बात करके आगे उसे पैसा भर के आए। अच्छा, शकील ना, तेरा पूरा नाम क्या उसका? शकील मेमन। चल ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल अब्दुल रज्जाक नाइक। क्या हुआ सर, चांद नगर में जो पकड़े लड़के को, क्या बेच रहा था वो पुलिस स्टेशन आप लोग लेकर आए? वो आज कई महीनों से हम लोग उनसे परेशान है, छोटे छोटे बच्चों को गांजा और वो MD है और वो गोल बटन है, ये सब उस जगह पे बेचन चालू है। और कोको जो इतनी इतनी बड़ी बाटली आती ब्लू कलर की, वो बेच रहे। तो उनको बोल बोल के थक गए, तो उन्होंने हमको ये बोला कि हमारे पास थाना से परमिशन है माल बेचने का। हमने पुलिस को भी शिकायत की इस चीज़ के बारे में, लेकिन कुछ वक्त के लेकर चले जाते, फिर उसके बाद में वो आते फिर अपना वही धंधा करते। तो आज हम लोगों ने फैसला किया मोहल्ला कमेटी के हिसाब से कि भाई उसको लेकर खुद अपने हाथों से पुलिस चौकी पहुँचावे। तो कितने लोग को लाया? अभी तो एक आया, एक और जो माल लेके भागा हुआ जिसके हाथ में थैली थी, इसमें अंदाजे कम से कम 1 किलो के आसपास कुछ भी माल हो सकता है, गांजा है, कुछ भी है। चांद नगर में कौन सी जगह पर है? चांद नगर में धूमचौर के पास, मस्जिद के पीछे साइड, ताजू तरिया बिल्डिंग है उसके सामने। बहुत लोग परेशान है, एक तो गरीब माहौल है लोगों का, आज के हिसाब में जिनके उनके खाने के वादे हैं, घर पौड़ी हो रही है, उनको अगर नशे के लिए नहीं मिलता तो किसी की हथगड़ी उठा ले जा रहे हैं, किसी का घर फोड़ रहे, किसी को क्या, ऐसा एकदम इतनी परेशान हो गई कि जिससे हद नहीं है। घर की मावे परेशान है कि औलाद अपनी क्या कर रही है। तो ये चीज से हम लोग खुद सोच कर पुलिस स्टेशन लाए, क्या पुलिस पे उसको लेके गए? पुलिस ने अपने हिरासत में ले ली उसको और अभी उसको DP रूम में लेके गए हुए। क्या मामला दर्ज करने के लिए बोले? अभी तो कुछ बात सामने नहीं आई है, हम लोग को रुकने बोले और उसको अंदर लेके गए हुए।